मैंने लिखा कि आई टेक प्राइड इन सबमिटिंग दैट आफ्टर डिसाइडिंग नंबर ऑफ केसेस का लिख के आई हैव रिड्यूस्ड दिस कोर्ट टू ए नलिटी। काजम अली मलिक मेरा नाम है, 1987 से लेकर 2009 तक जुडिशियल सर्विस की है। वो किलिंग्स तो बिल्कुल जमाना जानता है, वो तो हिल के मुल्क रह गया था। इतने जालमाना तरीके से उन्होंने इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस, उसमें तो उन्होंने एक मॉब इकट्ठा हुआ और दायरे के अंदर उन बच्चों को मारा, और वो वीडियोस जो थे, वो क्लिप जो थे, वो तो सारी जमाने ने देखे, और जिससे पूरी सोसाइटी हिल गई। और उनका मारने वालों का जिस तरह ब्रूटली उन्होंने मारा, फिर उनकी लाशें घसीटी, उनकी लाशें पे ड्रैग की ट्रैक्टरों के साथ, पुलिस ने उनको फैसिलिटेट किया। और उनका मौकफ ये था कि ये डकैत थे और ये डकैती कर रहे थे, और हमने फिर इनको पकड़ लिया। तो फिर वो मैंने विद रीजंस कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट लिखी कि दे वर नॉट डकैट्स। मैंने जाय वकूआ भी देखी, मैंने मोड एंड मैनर ऑफ किलिंग भी देखा, मैंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी देखी। उनका ये केस था कि हमारा एक बंदा मार दिया, तो किस से मारा था? पिस्टल होना चाहिए, गन होनी चाहिए, राइफल होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए ना। ये इट वॉज प्रूव्ड कंक्लूसिवली बियॉन्ड एनी डाउट मेरे सामने कि दे वर एम्प्टी हैंड। उस मॉब के रिश्ते, जिनके रिश्तेदार थे, उनका एक बंदा मरा पड़ा है वहां रोड साइड पे, उसको तो लगी है गोली। और आप कहते हैं कि हम अचानक आ गए एट रेलेवेंट टाइम और हमने इनको ओवर पावर कर लिया। असला किधर गया? वो निकल गए। वो लाउडली, वो एक क्लिप था उसमें, एक लाउडली वो मारने वाले कह रहे थे, इनको गालियां दी, और एक ने दूसरे मारने वाले को कहा कि इनको गाली देकर कहा, इनसे ये पूछो वो जो भाग गया है तीसरा वो कौन था, मीनिंग देयर बाइक, इन दो के अलावा भी कोई था? कोई था जो भाग गया है। सुबह को वकूआ हुआ, इवनिंग में जाकर डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम हुआ, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है अननोन। उनकी मोटरसाइकिल पर नंबर भी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, और वहां लिखा हुआ है शबाब मिली, उस नंबर प्लेट पर शबाब मिली जमात इस्लामी की जैली तंजीम है। सुबह से लेकर शाम तक आपने एक्साइज वालों से नहीं पूछा कि ये मोटर बाइक किसकी है? मैंने इसको भी बदनामी करार दिया कि ये इन्होंने इनकी आइडेंटिटी कंसील की है, सप्रेस की। मुझे भलवाल में ट्रांसफर कर, सब डिवीजन में एडिशनल सेशन जज हो, वहां बेशुमार मर्डर केस की, बहुत मर्डर रेट के हवाले से भारी तहसील थी, खास तौर पर कोट मोमेन उस वक्त पुलिस स्टेशन था जिसका मर्डर रेट बहुत हाई था। फिर अल्लाह के फजलो करम से और प्रोफेशनल वकील, एट रेलेवेंट टाइम जो हाई कोर्ट की यार्ड स्टिक थी या पैमाना था, वो था कि 6 मर्डर केसेस पर मंथ अगर जज साहब करें एडिशनल जज से, तो ये इसको एक्सीलेंट परफॉर्मेंस समझा। ये अल्लाह के फजलो करम से और प्रोफेशनल वकला की मुआवनत से मैंने वहाँ 14 भी किए, 6 एक्सीलेंट है, 13 भी किए, और 10 तो रूटीन में किए एवरी मंथ। और रिजल्टेंटली क्या हुआ कि 2 साल में कोर्ट ही ख़त्म हो गए, ये कत्ल होते भी रहे और उनको भी फारग साथ चलते रहे और अदालत ख़त्म हो गई। मैंने फिर एक ख़त लिखा हाई कोर्ट को, रजिस्ट्रार साहब को एड्रेस करते हैं, तो ख़त का ओपनिंग सेंटेंस भी मैंने सोच कर लिखा। मैंने लिखा कि आई टेक प्राइड इन सबमिटिंग दैट आफ्टर डिसाइडिंग नंबर ऑफ केसेस का लिख के आई हैव रिड्यूस्ड दिस कोर्ट टू ए नलिटी। इस खत पर फिर मुझे लगा दिया गया, मेरा टूर लगा दिया सरगोधा, क्योंकि भलवाल में काम ही नहीं था। और मैंने उन वकील साहबान को अपने, जब अदालत ख़त्म हो गई तो मैंने चैम्बर में उनको चाय पर बुलाया, तो फिर मजाकन वकील साहब ने कहा कि जी हमने तो इलाके में पैगाम भेजा है कि जज फारिग हो गया है, कत्ल करो। सरेकी बेल्ट में बदकिस्मती से एक कल्चर है, औरत बहुत मजलूम है वहां, अपनी दुश्मनियों में औरत को खामखा मुलव्वस कर ले। तो मेरे पास एक दरख्वास्त आई जी के
मैं पानी लगा रहा था तो अपनी ज़मीन को, तो एक फलां मसलन बी आ गया और उसने कहा कि ये मेरी बारी है पानी की। मैंने कहा मेरी बारी है, तो उसने कस्सी उठा ली स्पेड और मुझे मारने लगा। जब मारने लगा तो इतने में मेरी बीवी आ गई, तो उसने मेरी बीवी के प्राइवेट पार्ट्स पकड़ ली। मैंने कहा ये बताओ कि मैं तो अब सोच रहा था कि अब कस्सी आपके सर में लगेगी और आपने जख्मी होना था, ये आपको तो हुआ कुछ नहीं, दरमियान में आपकी बीवी आ गई है। ये है जाग कर रहो, इंसानों के मामला किताब इस रियाजी की तरह मैकेनिकली नहीं हो सकते। ये करप्ट सीनियर सिविल जज था, नॉन करप्ट, मियां हमीद जिलानी उसका नाम। मैंने उसकी अंडर द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट मैंने उसकी इंक्वायरी की ऑन द चार्ज ऑफ करप्शन। ही वाज पोस्टेड एट लैया, मैंने लैया जाकर इंक्वायरी की। इंक्वायरी करके मैंने उस इंक्वायरी में कंक्लूड किया और उसके खिलाफ मैंने कहा ये चार्जेस प्रूव किए, इज अ करप्ट, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। कुछ अरसा बाद पंफलेट छपना शायद हुए गुमनाम कंप्यूटराइज्ड उर्दू में। उस जमाने में 1998 में कंप्यूटर यूं नहीं होते थे, बस कोई एक आध दुकान होती थी या किसी के घर होता, कंप्यूटराइज्ड वो पंफलेट छापता था। उसमें वो स्कैंडलाइज करता था हाई कोर्ट के जजों को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को, नाम लिख ले। वो ऐसे ऐसे इल्जाम लगाता था उस पंफलेट में सेशन जजों के खिलाफ, मेरा नाम भी होता था। मैंने उसको ट्रेस कर, जब मैं उसकी इंक्वायरी कर रहा था, उस वक्त चीफ जस्टिस थे जस्टिस खलीलुर रहमान खान लाहौर हाई कोर्ट, उनकी दाढ़ी थी तो उसने हमीद जिलानी ने इतनी बड़ी दाढ़ी रखी। जब चीफ साहब ऊपर सुप्रीम कोर्ट चले गए, दूसरे दिन जब वो जज साहब आए हमीद जिलानी कोर्ट में यूक्रेन से, उसने दाढ़ी साफ करा, तो वकील साहब ने पूछा, हैरान हो गए कि इतनी दाढ़ी वाला बंदा। उसने कहा जज साहब ये क्या हुआ, उसने एक लफ्ज बोला, उसने कहा दाढ़ ग्रुप की हुकूमत खत्म हो गई। अब दाढ़ ग्रुप कोई आम आदमी की जुबान नहीं, वो पंफलेट में जो दाढ़ियों वाले जज थे उनको दाढ़ ग्रुप लिखता था। मैंने उस दाढ़ ग्रुप को उस दाढ़ ग्रुप से लिंक किया, फिर हमने हाई कोर्ट से इजाज़त ली, उसकी गिरफ्तारी की इजाज़त मिली, हमने उनको यहाँ लाहौर से पकड़ लिया। उसने खत लिखा, दो खत लिखे, एक हाई कोर्ट को लिखा, एक मुझे लिखा जेल से। जो हाई कोर्ट को लिखा उसका ओपनिंग सेंटेंस उर्दू में था कि मैं वो कुत्ता हूं जो अपने मालिक को भौंकता रहा, और फिर आगे माफी मांगे। मुझे लिखा कि मैं आपका आजाद ममनून हूं कि आपकी वजह से इतनी उम्र गुजारने के बाद मुझे पता चला है कि मैं उल्लू का पट्टा। जो एमएनए के इलेक्शन एमपीएस के लड़ते हैं वो आम आदमी ऑर्डिनरी तो नहीं होते। बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ये समाज शुरू हुई तो मैंने तो अपने हिसाब से नहीं, किताब के हिसाब केस तो फैसला करने थे ना, खैले थोल दिए यही इसी असूल पर के दी एग्रीव्ड अनसक्सेसफुल कैंडिडेट इज नॉट सपोज्ड एंड एक्सपेक्टेड टू गिव एविडेंस अबाउट क्लोज डोर अफेयर। थैला खोलो देख लो इल्जाम की ताईद होती है या नहीं होती। मैंने इसको मैथमेटिकली इलेक्शन को गिराया, फिर उस पर ऐसे ही वो कुछ नून के लीडरान जो हैं वो सीख पा हुए, मेरे ऊपर इल्जाम भी लगा दिया कि मेरे बेटे के लिए टिकट का उसने अप्लाई अपना टिकट मांगते थे। मैंने कहा जी टिकट लेने के लिए कोई दरख्वास्त दी जाती है, कोई एक को टिकट की वो फीस भी होती है जमा होती है, वो दरख्वास्त लिखा है, वो पैसे जो जमा करवाए गए हैं वो दिखाएं और फिर मैं माफ़ी मांग लूँगा आपसे, और या कोई और जो खता हुई है उसके जुर्म की सजा भुगत लूँगा। मैं उस वक्त पिंडी बेंच पर था, एक शादी की तकरीब थी, शादी की तकरीब वॉल्ड हाउस था, उसके अंदर मेहमान शादी वाले अपने घर में, किसी और का नहीं उनका अपना शादी वालों का घर था, वहां उन्होंने कोई डांसिंग गर्ल्स दो मंगाई, वो नाच रही थी गा रही थी और जो उनके मेहमान थे शादी वालों के वो उसको देख रहे थे। ये गालबन कोई SHO साहब जो थे वो 30 के करीब पुलिस ऑफिशियल्स लेकर, गालबन 30 ही थे। अब आप अंदाजा जरा लाएं उनकी मेंटल एग्नी का, और उनकी शादी वाला घर हो और 30 यूनिफॉर्म में बंदे राइफलें लेकर
अंदर दाखिल हो जाए। उन्होंने अरेस्ट कर लिया और लड़कियों को भी अरेस्ट कर लिया। वो उनमें से बाज ने, लड़कियों ने तो नहीं, बाज ने उस FIR को क्वैश करने की पटिशन डाली। उस पर फिर मैंने वो जजमेंट बकायदा दी जो रिपोर्टेड जजमेंट है, कब सिन सिर्फ सिन रहता है और कब वो कोई हदूद क्रॉस करके क्राइम तक जा पहुंचता। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के जज का रोल उस वक्त शुरू होता है जब वो ऑफेंस की एम्बिट में आए। जब तक गुनाह रहे उस वक्त तक नहीं हो सकता। तो मैंने वो FIR क्वेश की, ये होल्ड करके कि SHO और कोर्ट सिन की कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। सिन के लिए जो बंदा गुनाहगार है, ही इज आंसरेबल बिफोर द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ऑन द डे ऑफ जजमेंट। गुनाहों का हिसाब SHO ने नहीं लेना बंदों से, और उसमें वैलिड ग्राउंड थे कि कोई जुर्म बनता ही नहीं, कोई कानून किसी ताजीरात में वो नहीं आता। उसमें मैंने रीजंस में मल्टीपल रीजंस लिखी और उसमें ये था कि क्या टीवी में नाचना और गाना देखना न गुनाह है न जुर्म है, फिल्मों में गाने और नाच गाना न गुनाह है न जुर्म है, फिल्मों की शूटिंग के वक्त जमीन पर गाने गाना और शूटिंग करना और देखना न गुनाह है न जुर्म है, और शादी वाले घर के अंदर गाना और नाचना जुर्म भी है और गुनाह भी है। या तो टीवी स्टेशन भी बंद करो, या फिल्में भी बंद करो, या फिल्मी स्टूडियो भी बंद करो, फिर तो बात है। मैं गुजरांवाला आया, सबसे मुश्किल डिस्ट्रिक्ट था। यहां मैंने आके देखा कि 10-10 साल से मर्डर केस पेंडिंग थे, 10 years old। मैं बार रूम में गया, मैंने वकील साहबान से गुजारिश की कि मेरी एक आपके मुतालबात भी मैंने सुने हैं, अब मेरे मुतालबात भी आप सुने कि मर्डर केस का ट्रायल कमेंस होकर सिर्फ 3 सूरतों में एडजर्नमेंट हो गई। अगर एक दफा कमेंस हो गया है, ट्रायल शुरू हो गया, सिर्फ 3 एडजर्नमेंट्स होगी 3 वजह से। नंबर 1, कि ऑन द डेट फिक्स्ड सेशन जज मर जाए। अगर सेशन जज मर गया तो फिर ड्यूटी जज एडजर्न कर देगा, या ऑन द डेट फिक्स्ड वकील साहब मर जाए तो नया वकील करने के लिए केस एडजर्न होगा, या ऑन द डेट फिक्स्ड वो मुलजिम मर जाए तो मुलजिम के मरने की मौत की तस्दीक के लिए केस एडजर्न होगा। ये 3 मौतों के अलावा केस एडजर्न नहीं होगा। उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 12 महीनों के अंदर 600 मुकदमे कत्ल फैसला हो गया। गुजरांवाला में SSP जो थे ना, वो सुखेरा साहब थे जो यहाँ IG पंजाब रहे, पंजाब के IG रहे हैं ना, ये उस वक्त वहाँ SSP थे। मैंने इन टेलीफोन किया सुखेरा साहब को, मैंने कहा जी किसी बड़े हाल में तमाम ज़िले के SHO बुलाएं, तमाम DSP बुलाएं, मैंने मीटिंग करनी है, मैं और मेरे जज आएंगे, हम आपसे मीटिंग करेंगे। उन्होंने अरेंजमेंट किया और हमने डेट मुकर्रर की और मैं चला गया। मैंने उनको एड्रेस किया, उनके SSP और उनके कमांडर की मौजूदगी में। मैंने कहा डायरियां निकालो और लिखो कि समन और वारंट अगेंस्ट PW गवाह का हो या मुलजिम का हो, आपने 3 रिपोर्टें करनी, प्रोसेस सर्व करने का 3 रिपोर्टें, ये आप लिखें डायरियों पर। नंबर 1, तामील हो गई है। नंबर 2, गवाह मर गया है। नंबर 3, गवाह बिरूने मुल्क चला गया। चौथी रिपोर्ट ना आपने करनी है ना मैंने पढ़नी। मैंने कहा आज से मैंने पूरे जिले में ये आर्डर लिखना हराम करार दे दिया है, कोई जज गुजरांवाला का ये आर्डर नहीं लिखेगा कि रिकॉर्ड ना आया है दोबारा तलब। नो, रिकॉर्ड तलब हुआ है और रिकॉर्ड मौजूद है।
इस पर इंप्लीमेंट हुआ 100%। द जुडिशियल सिस्टम इज नॉट एट फॉल्ट, द जुडिशियल सिस्टम इज नॉट ऑपरेशनल, द जुडिशियल सिस्टम ऑन द ग्राउंड इज नॉट फंक्शनल। आज इसको ऑन ग्राउंड ऑपरेशनल कर दें और फंक्शनल कर दें, बाय बुक जाएं, अदालतें खत्म हो जाएं, ये केसेस खत्म हो जाएं, फिर वकीलों को कहना पड़ेगा लोगों को बंदे मारो जज फारिग। सिस्टम को मैं इसलिए मेरी बात को वजन दिया जाए, इसलिए मेरी बात को इम्पॉर्टेंस अटैच की जाए कि मैं कोई ड्राइंग रूम का दानिशवर नहीं हूँ, मैं कोई कागजी दानिशवर नहीं हूँ, मैं फील्ड का आदमी हूँ जिसको तकरीबन निसफ सदी इस प्रोफेशन में हो गई है, अमलन प्रैक्टिकल करके आया हूँ। लिहाजा प्रैक्टिकल ये है कि किताब को ब्लेम ना करो, बुक को ब्लेम ना करो, बुक इज नॉट एट फॉल्ट। ये आज फंक्शनल और ऑपरेशनल करो इस निज़ाम को, डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है। लेमैन ये समझता है, लेमैन को पता नहीं है, वो बेचारा ये समझता है कि ये जो मेरा 10 साल मर्डर केस फैसला नहीं हुआ, ये शायद निज़ाम खराब है। नो, निज़ाम खराब नहीं।